Hello class, our subject is Law of Contract 2nd, Unit 4, Part C, Material Alteration and Crossing of Check etc. In this video, we are going to discuss about the material alteration. Now, material alteration means to make changes in the date, amount, place, rate of interest, add new party, tearing of material part, time of payment in the negotiable instrument. It means to make the changes in this way amounts to material alteration. So material alteration means which has effect of altering the legal relationship between the parties and the character of the instrument etc. It means जो भी पार्टीज़ की रिलेशन को इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर करेक्टर को चेंज ले आता है इंस्ट्रूमेंट के. ऑल वी हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो व्हाट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मींस बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक. सो अगर हम उसमें कोई भी चेंजेस लाते हैं इन द वे ऑफ डेट, अमाउंट, प्लेस तो एक्सेट्रा, तो वो क्या लीड करता है? मेटीरियल ऑल्ट्रेशन. नाउ उसका पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी एंड द सैंक्सिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स सो अ ड्रॉई वुड नॉट बी एबल टू इंजॉय एनी फ्रूट फ्रॉम सच ऑल्ट्रेशन इज पर्पस ऑफ द मेटीरियल ऑल्ट्रेशन सेक्शन. इट मीन्स कोई डिसएडवांटेज, कोई एडवांटेज ना उठा ले उस चीज का, उस चीज का, तो फिर इट इज़ रन बाय दिस मैक्सिम एक्स तुरपाय नॉन ऑडिटर एक्शन. इट मींस अ रूल दैट अ डॉक्यूमेंट मेटीरियली ऑल्टर लीड्स टू वॉइड एंड अनइंफोर्सेबल. इट मींस कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी ऑल्टर होता है मेटीरियली लीड्स टू वॉइड एंड अनइंफोर्सेबल. मींस इट हैज़ नो लीगल वैलिडिटी इन द आई ऑफ लॉ. इफ यू रीड द सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट says that effect of material alteration is void if any kind of alteration made in the negotiable instrument makes the document or a instrument void unless उन दोनों की parties के बीच में consent ना हो या उनकी कोई common intention ना हो. अगर उन्होंने कोई भी consent या common intention के बिना उन्होंने कोई भी alteration कर दी तो इट चेंज द लीगल आइडेंटिटी एंड द बिजनेस करेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सो वी विल डिस्कस इट थ्रू द केस लॉ. रामचंद्रन वर्सेस के दिशनन एंड अनदर 2005. अ पर्सन इंडोर्सेज एन ऑल्टर इंस्ट्रूमेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑल्ट्रेशन ही मे बी एबल टू लाई बल टू इंडोर्सी. अगर कोई भी पर्सन ऑल्टर करता है इंस्ट्रूमेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टी तो वो लायबल है किसको? इंडोर्सी को. नाउ बर्डन ऑफ प्रूविंग. पर्सन इन हुज कस्टडी डॉक्यूमेंट इज सब्सिक्वेंट टू इट्स एग्जीक्यूशन हैज़ टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट ऑल्टर्ड बाय हिम. जिसकी भी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, अगर वो ऑल्टर हुआ है और वो एग्जीक्यूशन के लिए उसे लेकर जा रहा है, इंडोर्स करा रहा है, सो उसे प्रूव करना होगा दैट दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट ऑल्टर्ड बाय हिम. नाउ we will discuss one of the case, S. Prakash versus A. Palanappa 2015, in which check payee name was written in one ink and the remaining body of the check was written in another ink. On its ground, it is not questionable its validity. It means, agar do pen se ya phir do color ke pen se check bhara gaya hai, to wo इट्स की वैलिडिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाता है. तो कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लोर किया था कि अगर पेई का जो नाम है दूसरे पेन से लिखा गया है और जो रिमेनिंग बॉडी है वो चेक की वो दूसरे पार्ट बॉडी दूसरे कलर के पेन से लिखी गई है तो इट विल नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ इट्स चेक. नाउ दिस इज ऑल अबाउट मेटीरियल ऑल्ट्रेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉसिंग ऑफ चेक. थैंक यू क्लास.